हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और मैं यूके पीसीएस प्रीलिम्स 2021 के लिए एक और लेक्चर आपके लिए लेके आया हूँ। और ये लेक्चर जो है वो उत्तराखंड पर्सनालिटीज़ को लेकर है। जैसे कि आप हेडिंग देख ही रहेंगे, एलियास नेम ऑफ दी उत्तराखंड पर्सनालिटीज़, यानी कि अगर हम हिंदी में बोलें तो कुछ जो हमारे यहाँ गोरखा पीरियड में जो पर्सनालिटीज़ थी, या आपके हिस्ट्री यानी कि स्पेशली आपके ब्रिटिशर्स के पीरियड में जो पर्सनालिटी थी, उनके निकनेम या उनके अल्टरनेटिव नेम्स क्या हैं, वो कई बार एग्जामिनर पूछ लेते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। एलियास नेम ऑफ उत्तराखंड पर्सनालिटीज। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं जैसे जिया रानी। ठीक है, तो जिया रानी को क्या बोलते थे? तो जिया रानी का एक जो अल्टरनेटिव या एलियास नेम था, वो था उनका पिंगला। ठीक है, इसको लिखते जाएगा मेरे साथ, पिंग PIGLA, पिंग PING, पिंगला। ठीक, पिंगला और पियोली, पियोली। ठीक है, आप आई लगा दीजिए या वाई लगा दीजिए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो भी सारे नाम हैं, ये हिंदी के नाम होते हैं, तो इनकी इंग्लिश की जो स्पेलिंग होती है वो सबकी अलग अलग बनेगी। बट ध्यान रखिएगा, जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही होना चाहिए। और जब आपके MCQ में आएगा, देखो क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पीसीएस प्रीलिम्स के एमसीक्यू में, कि इन चारों में से किसको पिंगला या पियोली कहा जाता था, तो आपको नीचे आंसर होगा चार में से कर्णावती, जे आर रानी, ऐसे करके। तो आप समझ रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आज आप लोगों को करा रहा हूँ। देन दूसरा लिखिए आप, आपका दूसरा नाम आपने सुना भी होगा, शिव प्रसाद डबराल। ठीक है, शिव प्रसाद डबराल, इनको कहते थे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। लिख लीजिएगा मेरे साथ, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, इनको बोलते थे इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड, किसको? शिव प्रसाद डबराल। देन दूसरा नाम आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, कल्याण सिंह रावत। ठीक है, इनको बोलते थे मैती, इनका जो एक उपनाम था मैती नाम था, मैती, वही है। आप टी वाई लिखिए या टी आई लिखिए, मैती। एग्जाम में आएगा मैती किसका नाम था, तो आप टिक करेंगे कल्याण सिंह रावत का नाम था मैती। देन उसके पास मिस कैथरीन हेलमैन, इनका क्या नाम था? सरला बहन। यानी कि जो सरला बहन थी हमारे यहाँ की, सोशलिज्म के काम किए उन्होंने, इनका निकनेम क्या था? मिस कैथरीन हेलमैन, या कह सकते हो कि मिस कैथरीन हेलमैन का असली निकनेम क्या था? सरला बहन, या सरला बहन का असली नाम क्या था? मिस कैथरीन हेलमैन। देन आप इनको सब जानते होंगे, गौरा देवी चिपको आंदोलन से संबंधित है, तो आंसर भी क्या होगा इसका? इनको बोलते थे चिपको वो, चिपको वुमेन। और मुझे लगता है कि जैसे अभी आपने देखा होगा लोअर पीसीएस में आपका चिपको आंदोलन को लेकर आया था, तो इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखिए धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और अभी आपका अपर पीसीएस 2021 का जब भी पेपर होगा, हमारे हिसाब से फेब के लास्ट में होना चाहिए, लास्ट वीक में या मार्च के फर्स्ट वीक में, अगर कुछ इलेक्शन का ऊपर नीचे नहीं हुआ तो उसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन दोबारा से इन्वायरमेंट के, और खासतौर पर चिपको मूवमेंट को लेकर आ सकते हैं। देन उसके बाद अगला नाम लिखिए, गौरी दत्त पांडे। ठीक है, गौरी दत्त पांडे, तो इनका जो निकनेम आप कह सकते हो गुर्दा। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा हो सकता है कि ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन गुर्दा बोलो। ठीक, देन उसके बाद आपका आयरिन पंथ, इनको बोलते थे डॉटर ऑफ अल्मोड़ा, या अल्मोड़ा की बेटी। अल्मोड़ा की बेटी। ठीक है, फिर उसके बाद कर्णावती। ठीक है, कर्णावती, सबने नाम सुना होगा, इनको बोलते थे नागकटी रानी। ठीक है, नागकटी रानी। इसका इतिहास आप लोगों ने पढ़ चुका होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप यहाँ से कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। खैर, कर्णावती को हो गया नागकटी रानी। इसके बाद आपका लक्ष्मीचंद, इनको क्या कहते थे? इनके दो नाम मिलते हैं हमको किताबों में, पहला है स्याण बुंगा, एक नाम तो ये मिलता है स्याण बुंगा, और दूसरा एक नाम मिलता है लखुली बिराली।
ठीक है। तो यानी कि जो लक्ष्मीचंद थे उनके दो नाम आपको मिलते हैं, लक्ष्मीचंद जो राजा थे, एक नाम मिला सियाण बुंगा और लखुली बिराल, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना, ठीक। यहाँ मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ अभी लगातार जो है यूके PCS प्रीलिम्स की जो है लाइव ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। लाइव ऑनलाइन क्लासेस जो है वो मैं जूम पे लेता हूँ, जिसमें आपके ऑडियो पोर्ट्स ओपन रहते हैं, मेरे वीडियो और ऑडियो पोर्ट्स ओपन रहते हैं, आप चाहें तो अपना वीडियो पोर्ट ओपन कर सकते हैं। और लगातार हम लोग जो PCS प्रीलिम्स है आपका 2021 की क्लासेज जो फाइनल एग्ज़ाम है लगातार चला रहे हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास का जो टाइमिंग है वो है 11 to 1 PM, 11 बजे से शुरू होता है, 11 to 1 PM। बीच में हम लोग 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि लगातार लाइव ऑन क्लासेस में बैठना नहीं हो पाता है। और अगर आप लाइव ऑनलाइन क्लासेस नहीं दे सकते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर में जाइए, गूगल प्ले स्टोर में वहाँ पे आप टाइप कीजिए इक्वेटर दून, जो आप देख रहे हैं ये लिखा हुआ इक्वेटर दून, जैसे ही टाइप करेंगे ये ऐप खुलेगा, इंस्टॉल कीजिए और यहाँ पर आपको ये कोर्स जो है आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 6,000 रुपये में आपको पूरे जनरल स्टडीज़ का UKPCS का क्या मिलेगा, कोर्स मिलेगा। चलिए अगला है आपका नाम, और सबने सुना भी होगा, माधो सिंह भंडारी, ठीक है। इनको बोलते थे गर्व भंजक, गर्व भंजक इनका नाम था, गर्व भंजक, ठीक है। उसके बाद दूसरा नाम लिखिए बाज बहादुर चंद, ठीक है, बाज बहादुर चंद, इनको कहते थे कुमाऊं का बलवान, कुमाऊं का बलवान, एग्जाम में आ जाए कुमाऊं का बलवान, इन चारों में से किसको बोलते थे, तो आप ये टिक करें, ठीक है। उसके बाद आपके महीपति शाह, इनको बोलते थे गर्व भंजन, ये कितना कंफ्यूजिंग है, मैं बताता हूँ कैसे, गर्व भंजन। तो देखिए गर्व भंजक, अगर जक आए तो माधो सिंह भंडारी, और गर्व भंजन तो महीपति शाह। तो इसको ऐसे याद करने के लिए क्या कि महीपति शाह क्या किया किया करते थे, भजन किया करते थे, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। देखिए शॉर्ट फॉर्म जो है वो आपको खुद बनाने पड़े। चलिए अगला बढ़ते हैं, हरी सिंह थापा, ठीक है, ये नाम शायद आप लोगों ने कभी सुना हो, हरी सिंह थापा का। हरी सिंह थापा ये आपके हैं भारतीय बॉक्सिंग के पितामह, तो आप देख सकते हैं भारतीय बॉक्सिंग, भारतीय बॉक्सिंग के पितामह, भारतीय बॉक्सिंग के पितामह, भारतीय बॉक्सिंग के पितामह, ठीक। देन उसके बाद अगला नाम लिखिए आपका, जो आपने लिखा है बद्री, बद्री दत्त पांडे, शायद आपने ये नाम कभी सुना हो बद्री दत्त पांडे का, कि इनका संबंध भी जो है वो हमारे यहाँ बहुत रहा है गहरा। लिखिए बद्रीदत्त पांडे का कुमाऊं केसरी, कुमाऊं, कुमाऊं केसरी, कुमाऊं केसरी, बद्रीदत्त पांडे को बोलते थे कुमाऊं केसरी। देन उसके बाद देखिए अगला नाम क्या है, हर्ष देव औली, ठीक है। हर्ष देव औली के दो नाम मिलते हैं हमें बुक्स में, एक है शेर और दूसरा है मुसोलिन, की तुलना जो है मुसोलिन से की गई है, इसलिए नाम पड़ गया है मुसोलिन या शेर। और फिर उसके बाद अगला नाम आप देख रहे हैं, जैसे श्रीधर किमोटी, श्रीधर किमोटी, श्रीधर किमोटी, इनको बोलते थे आजाद, इनको क्या बोलते थे, आजाद, ठीक। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, अगर आपको और ऐसे लेक्चर चाहिए तो आप, फिर से मैं बोलूंगा, आप मेरा लाइव ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए, या आप गूगल प्ले स्टोर में जाके इक्विटर डूम टाइप करेंगे तो आपको ये ऐप मिलेगा, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वहां से भी आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा आपको। और ये रहा हमारा वो कोर्स, तो मिलते हैं फिर एक और वीडियो के साथ, कुछ और टॉपिक जो नए हैं वो लेंगे।